आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम आपकी क्लास में WBC काउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि WBC काउंटिंग यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की गणना किस प्रकार से की जाती है। आपको एक ब्लड दे दिया जाता है, उस ब्लड में, दिए गए ब्लड में या स्वयं के ब्लड में आपको WBC की काउंटिंग करनी होती है। अब वो काउंटिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने RBC काउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो RBC काउंटिंग के जो काउंटिंग चैम्बर है, जो न्यू बार जो काउंटिंग चैम्बर है, उसी में हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो टोटल जो ल्यूकोसाइट्स काउंट है ना, उसमें वाइट ब्लड सेल्स हो रही है, वाइट ब्लड सेल्स में या कॉर्पसेल्स कहते हैं उनको, कितने प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स होती है, ईओसिनोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होती है, उनकी काउंटिंग हम लोग करते हैं। काउंटिंग के लिए सबसे पहली बात, उद्देश्य क्या है? सो टू इन्यूमरेट द टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑफ ए गिवन ब्लड सैंपल। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स के टोटल नंबर की गणना कर रहे हैं, किसमें, आपको दिए गए रक्त में, ठीक है। उसमें क्या क्या आवश्यक है, एक आपका हीमोसाइटोमीटर चैम्बर जिसको हम लोग न्यू बार स्लाइड कहते हैं, दूसरा आपका कवर स्लिप, तीसरा आपका लाइट माइक्रोस्कोप, चौथा आपका WBC पिपेट और पांचवा आपका WBC डायलेटिंग फ्लूइड। ये WBC डायलेटिंग जो फ्लूइड होता है वो होता है आपका 1% HCl अथवा 1% ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड, और साथ में उसके अंदर जेंटियन वायलेट एक स्टेन होता है, वो भी 1% उसके अंदर मिक्स होता है। तो ये जो मटेरियल है ये आवश्यक होता है, और साथ में आपका ब्लड, ये सब चीज़ें आवश्यक होती है। अब ये आपकी न्यू बार स्लाइड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो फिर भी आपको ना जो आपके रिविजन के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे एक चैम्बर होता है और यहाँ पे एक दूसरा चैम्बर होता है, ठीक है। ये एच के यहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से कवर स्लिप इसमें लगा देते हैं, और ब्लड हमने जो अप्लाई करते हैं हम लोग इस तरह के पिपेट से, ठीक है। इस पिपेट में क्या होता है कि दो मार्क होते हैं, एक आपका 0.5 का मार्क यहाँ पे और ऊपर आपका 11 का मार्क, ठीक है। ये बड़ी पिपेट है तो ये 0.5 और ये 1, और ऊपर क्या होता है, एक 11 का मार्क होता है। और इसमें जो ये छोटा सा जो मोती जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये वाइट कलर की होती है। तो RBC पिपेट में क्या होता है, यहाँ पे 0.5 का और ऊपर 101 का मार्क होता है, जबकि WBC पिपेट में यहाँ पे 0.5 का और ऊपर 11 का मार्क होता है। यानी RBC में तो क्या होता है, 0.5 लेकर के अपन उसको 101 टाइम तक डाइल्यूट करते हैं, तो 101 टाइम ना करके अपन उसको कहते हैं 100 टाइम, यानी 0.5 को 100 टाइम डाइल्यूट किया तो कितना हो गया, 200 टाइम अपन डाइल्यूट इसमें करते हैं, क्योंकि जो नीचे जो किनारे पे जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं कि 0.5 से लेकर के 101 तक डाइल्यूट करते हैं RBC के केस में, जबकि WBC के केस में हम लोग 0.5 से लेकर के 11 टाइम तक डाइल्यूट करते हैं, यानी 0.5 को डाइल्यूट करते हैं कितने टाइम तक, 20 टाइम्स तक। तो जैसे ही हमने ये जो न्यू बार स्लाइड लगाई बाद में उसमें जैसे हमने कवर स्लिप लगाई और ब्लड एंटर किया, तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये जो कॉर्नर वाले जो चैम्बर है, ये वाले जो कि 16 संख्या में है, इनमें हम लोग क्या करते हैं, WBC की संख्या को गिनते हैं। ये बीच वाला जो चैम्बर है, इसमें हम लोग RBC की संख्या गिनते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी जो है ना, जो आपका इसका यदि अपन लोग डायमीटर देखें, तो 1 mm 1 mm 1 mm चारों तरफ से इसका डायमीटर इसका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैम्बर्स हैं, इनमें हम लोग WBC की संख्या को गिनते हैं। अब किस प्रकार से गिनते हैं ये हम आगे देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमने जो WBC पिपेट है, जिसके बारे में हम लोग अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, WBC पिपेट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो नीचे वाला जो निशान है, जो कि 0.5 मार्क का निशान है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया ब्लड है या स्वयं का ब्लड है उसको हम लोग 0.5 मार्क तक भर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग जो WBC जो रिएजेंट है या WBC डायलेटिंग जो फ्लूड है,
जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, और जो स्टेन है उसको हम लोग 11 मार्क तक भर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले मार्क तक, जो आपका जो मनिया जो था उससे ऊपर जो मार्क था उसके ऊपर वाले मार्क तक अपन 11 मार्क तक उसको भर लेते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो 0.5 मार्क तक आपने है ना जो ब्लड भरा, उसके बाद में जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है या WBC रिएजेंट जो है उसको हमने 11 मार्क तक भर लिया। देन हमने क्या किया, जो ब्लड और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड था उसको आपकी जो पिपेट है उसको हॉरिजॉन्टल पोजिशन पर रख करके, यानी आड़ी पोजिशन पर रख करके, और उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, उसको सेक करते हैं, जिससे क्या होता रहता है आपका जो ब्लड है और जो WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसके साथ में वो मिक्स हो जाता है। और ऐसा हम लोग 2 से 3 मिनट तक करते हैं, जिससे क्या होता है जो RBC होती है उनका कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाता है और उस ब्लड में बच क्या जाती है आपकी WBC, और WBC को भी पर्पल कलर का आपका जो स्टेन है वो उसको लाइट पर्पल कलर का उसको स्टेन कर लेता है, जिससे कि WBC आपको आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई दे जाती है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 ड्रॉप जो है मिक्स्ड फ्लूइड की उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, जो पिपेट के कोने पे जो लगी हुई है, किनारे पे जो लगी हुई है, उनसे 2 से 4 बूंद को हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो पिपेट की जो टिप है, जो पिपेट की टिप है उसको क्या करते हैं, हीमोसाइटोमीटर चैम्बर की जो आपकी जो कवर स्लिप लगी हुई है उसके सहारे से उसको टच करते हैं, और टच करते ही और 1 ड्रॉप को उस जो कवर ग्लास है उसके नीचे उसको छोड़ देते हैं। 1 ड्रॉप को आपने छोड़ दिया, 1 ड्रॉप को उसमें निकाल दिया, और निकाले बाद में क्या होता है, 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिनट वेट इस वजह से करते हैं जिससे कि ल्यूकोसाइट्स जो है या WBC जो है वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो माइक्रोस्कोप का जो लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसको लो पावर पे रखना है, यानी 10x पे ही अपने को उसको रखना है, उसको 40x पे मूव नहीं करना है, क्योंकि 10x पे आपको WBC जो काउंटिंग चैम्बर है वो आसानी से सारे दिखाई दे जाते हैं। अब जैसे आपकी है ना जो WBC है ना जो सेटल डाउन हुई, उसके बाद में हम लोग उनकी काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग किस प्रकार से करते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि ये आपका जो हीमोसाइटोमीटर चैम्बर है जिसमें ये WBC काउंटिंग चैम्बर है, ये वाले, ठीक है, ये काउंटिंग चैम्बर ये वाले, इनमें आपको WBC दिखाई दे रही है। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, इन 4 स्क्वायर्स में, यानी इन 4 स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, WBC की संख्या को गिन लेते हैं। गिनने का तरीका क्या, यूँ लेफ्ट से राइट, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, यानी जिग जैग पैटर्न में हम क्या करते हैं, जो लो ऑब्जेक्टिव है या कम पावर का जो माइक्रोस्कोपिक का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है 10x, उसको लगा करके और इनकी काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और काउंटिंग करे बाद में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग WBC की संख्या को अपने ब्लड में, स्वयं के ब्लड में, अथवा जो दिया गया ब्लड है उसमें आसानी से हम उसकी संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि WBC जो है उनको 4 स्क्वायर में या 64 स्क्वायर्स में हम लोग उनकी संख्या को काउंट करते हैं, और उसको डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ में, 4 के साथ में, क्योंकि 4 स्क्वायर में अपने काउंट किया, ठीक है, जिससे आपको 1 स्क्वायर की संख्या मिल जाती है। उसके बाद में डाइल्यूशन फैक्टर से, और फिर उसके बाद में चैम्बर की डेप्थ से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपके जो डाइल्यूशन है वो मैंने जैसे बताया आपको कि नीचे वाला जो है वो 0.5 है, ऊपर वाला 11 है, तो 0.5 को 11 तक डाइल्यूट किया तो 22 टाइम हुआ, लेकिन अपन ना जो किनारे की जो बूंद है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो 20 टाइम तक हुआ, तो 20 तो इसमें डाइल्यूशन फैक्टर हो गया। आपका जो चैम्बर की डेप्थ है वो 1/10 mm है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आपके जो सारे जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें गिनी हुई WBC की संख्या डिवाइडेड बाय 4 इंटू डायलिसन फैक्टर और इंटू आपका रेसिप्रोकल ऑफ चैम्बर डेप्थ, ठीक है, इंटू 10 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि अपने को WBC की संख्या इससे कैलकुलेट हो जाती है। अब यदि हम लोग नॉर्मली यदि WBC की संख्या देखें, भाई ह्यूमन्स में WBC की संख्या कितनी पाई जाती है, तो जो नॉर्मल जो रेंज होती है, ये जो रेंज है वो
ब्लड के अंदर 4,500 से लेकर के 11,000 WBC पर माइक्रोलीटर इसमें होती है, ठीक है। तो इतनी संख्या WBC की हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो लगभग इनके बीच का लगभग 6,000 से 8,000 हम लोग देखते हैं WBC की संख्या पाई जाती है। तो आज हमने WBC को भी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। यदि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल अथवा मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से फ़ोन से भी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।